तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो DHS एग्ज़ाम होने वाला है उसके इंग्लिश पार्ट में क्या क्या आ सकता है, उसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल। तो पहले मैंने 6 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। ये 6 टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिक्स टॉपिक में हम पहले तो करेक्ट टेंस, हमें टेंस को करेक्ट करना है। और करेक्ट टेंस आएगा एट फर्स्ट, ओके, करेक्ट टेंस आएगा। तो करेक्ट टेंस में हमें देखना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसके जो भाग है चार, उस भाग के किसी भी टेंस का हमें पूछा जा सकता है, कि जैसे कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वॉइस में एक्टिव पैसिव वॉइस, दोस्तों हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो सिंपल नहीं पूछेगा, जो नियम से हट के होगा वो ये हमें देखना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल ए एन द, जो एक्सेप्शन होते हैं, जहाँ पे जो जनरल होते हैं वो तो जहाँ कहीं हो जाता है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल देखना चाहिए जो यूजुअली यूज में नहीं आते, ऐसे आर्टिकल देखना चाहिए, जैसे कि आवर के आगे क्या बैठता है, ए की एम, ऐसा। उसके बाद हमें प्रीपोजिशन, ये भी बहुत टफ होगा, प्रीपोजिशन बहुत टफ होगा, इसे हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। और वोकैबुलरी हमें अच्छे से डिक्शनरी यूज करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो इंग्लिश पार्ट है वो सबसे टफ पार्ट होने वाला है इस बार, क्योंकि वो जो वोकेबुलरी पार्ट होता है उसमें कम से कम 5 आते हैं साइनोनिम एंटोनिम्स, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड पूछ देता है कि वो वर्ड आपने कभी नहीं सुना हो सकता है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक को टिक करके आना ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये जो मैंने बोला है ये 6 टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका 25 आउट ऑफ आपका अंततः 20 आ जाएगा, अच्छे से अगर करेक्ट टेंस, वॉइस, आर्टिकल, नरेशन, प्रीपोजिशन, वोकेबुलरी आप अच्छे से करते हैं। वोकेबुलरी में आप साइनोनिम एंटोनिम देखना पड़ेगा, तो और सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों DHS एग्जाम का तीनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अच्छे से देखिए और प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।